बच्चे आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी को। नॉर्मल डेली लाइफ में इस वर्ड को बहुत ज्यादा सुना होगा, तो समझते हैं एलर्जी होती क्यों है, क्या इसका रीजन है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो ये क्या है? एक्सएग्रीगेटेड रिस्पॉन्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। हम और क्या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी को भी यूज कर सकते हैं। सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं हमारी बॉडी में, उनको आप क्या बोलते हो बच्चे, यहाँ पे एलर्जेंस है ना। हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, आपकी IgE एंटीबॉडी। कुछ कुछ आपकी जो एलर्जी है उसमें क्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, हमें ब्रीदिंग करने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। बेसिकली यहाँ पे कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, आपका वीजिंग साउंड। और ये साउंड तो बच्चे आप सबको याद होगा एक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है। कौन से डिसऑर्डर के साथ है बच्चे, आपके अस्थमा के साथ। ये भी क्या है, एक तरह की एलर्जी है ना। अस्थमा भी क्यों होता है, एक तरीके की एलर्जी है हमारी, ठीक है। हमने देखा एलर्जी किसे बोलते हैं, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है एंड एग्जाम्पल्स क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी को। ये जो हमारा टॉपिक है ये कौन सी क्लास में, 12th का जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर चल रहा है उसका एक सब टॉपिक है। इसमें आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपने इननेट इम्यूनिटी पढ़ा, आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा, इसके अलावा आपने टाइप्स पढ़े एक्वायर्ड के, जहां पे आपने एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा था। देन आपने अपना क्या पढ़ा था, जो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है हमने वो डिस्कस किया था। नाउ आज हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्या है आपका यहाँ पे एलर्जी। एलर्जी बहुत कॉमन है, आपने अपने नॉर्मल डेली लाइफ में इस वर्ड को बहुत ज्यादा सुना होगा। तो समझते हैं एलर्जी होती क्यों है, क्या इसका रीजन है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले अगर हम अपने टर्म की बात करें जो क्या है हमारा एलर्जी, एलर्जी को बच्चे अपन क्या बोलते हैं, एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स। आप क्या बोलते हो अपनी एलर्जी को, कैसे डिफाइन करते हो कि ये कैसी होगी, एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स होगी। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा, एलर्जी क्या है। तो ये क्या है, एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। हम और क्या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी को भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे रिस्पॉन्स हो रहे हैं ये किसकी वजह से होंगे, आपके इम्यून सिस्टम ये प्रोड्यूस करेगा किसके लिए करेगा, टू सर्टेन एंटीजन्स जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। हमें पता है हमारी बॉडी में बी सेल्स प्रेजेंट है जो क्या करेगी, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, अब आइदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो आपका एलर्जन हो, उसके लिए क्या करेगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड अपॉन है। अब सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं हमारी बॉडी में, उनको आप क्या बोलते हो बच्चे, यहाँ पे एलर्जेंस है ना। सिंपल सा, जो आपके सब्सटेंस एलर्जी को कॉज करेंगे आपने उनको क्या बोल दिया, एलर्जेंस बोल दिया। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डस्ट में डस्ट हो गया, माइट्स हो गया, इसके अलावा पॉलन ग्रेन, जैसे आपने सुना होगा जो पाइन के ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, जब उसमें पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में होते हैं एंड जनरली वो क्या करते हैं, हे फीवर जो एक टाइप ऑफ एलर्जी है उसे कॉज करते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, एनिमल डेंडर्स, जो एनिमल के भी जो क्या होते हैं, जो उनके हेयर होते हैं वो भी क्या करते हैं, बेसिकली किसी किसी को एलर्जी कॉज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन से सपोज मुझे एलर्जी है तो आपको भी होगी, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और आपके जो एलर्जेंस भी है वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, आपकी IgE एंटीबॉडी। आपको याद होगा बच्चे हमने डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी पढ़ी थी, IgA पढ़ा था, IgG पढ़ा था, IgE पढ़ा था। तो एलर्जी में जो बेसिकली आपकी एंटीबॉडी आ रही है वो कौन सी आ रही है, IgE आ रही है, ठीक है। अब होता कैसे, क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें एलर्जेंस की, कोई भी फॉरेन पार्टिकल की अगर हम बात करें, अगर हमारी बॉडी में ये एलर्जन एंटर किया तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारी जो बॉडी में जो सेल्स है, हमारी कौन सी, एक तो एंटीबॉडी बनाएगा ये आपकी, यहाँ पे IgE एंटीबॉडी बनाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो मास्ट
सेल्स प्रेजेंट है, ये मास सेल्स को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। मास सेल्स के फंक्शन याद होंगे, क्या करता है मास सेल, तीन चीजों का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका मास सेल्स है ये क्या बनाएगा बच्चे, यहाँ पे एक तो हिस्टामिन बनाएगा जो क्या है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका क्या करेगा इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करेगा। एंड इसके अलावा बच्चे ये क्या बना देगा आपका, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन कर देगा। तो जैसे ही एलर्जन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी मास सेल्स एक्टिवेट हो जाती है एंड ये आपके कुछ केमिकल्स बनाती है, जैसे क्या हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, इनका फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर किया है आप उसको बाहर निकाल पाओ। इस सबका फंक्शन क्या है, क्या पर्पस है, ताकि उसको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, बॉडी से बाहर निकाल सके। क्लियर होगा इतना में, ठीक है। अब एलर्जी के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है स्नीजिंग, अगर आप छींक रहे हो तो छींकने में भी क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल बाहर निकलेगा। इसके अलावा वॉटरी आई, क्या होता है जनरली कभी कभी आपने कुछ पर्सन को देखा होगा, जैसे ही वो आपके डस्ट में जाते, जैसे ही वो ऐसी जगह जाते जहां बहुत ज्यादा डस्ट है, तो उनकी क्या होती है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, आंख से पानी निकलने लगता है। क्यों निकलता है, ताकि फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकाल सके हम लोग। इसके अलावा रनिंग नोज, ऑब्वियस चीज है, उससे भी हम एलर्जन को बाहर निकाल सकते हैं। एंड कुछ कुछ आपकी जो एलर्जी है उसमें क्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, हमें ब्रीदिंग करने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। बेसिकली यहाँ पे कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है आपका, वीजिंग साउंड, और ये साउंड तो बच्चे आप सबको याद होगा एक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है। कौन से डिसऑर्डर के साथ है बच्चे आपके, अस्थमा के साथ। ये भी क्या है, एक तरह की एलर्जी है ना, अस्थमा भी क्यों होता है, एक तरीके की एलर्जी है हमारी, ठीक है। तो सिम्टम्स में ये सब आ गया। अब हमें कैसे पता चल सकता है कि इस पेशेंट को इस टाइप की एलर्जन से एलर्जी है, ये कैसे पता चलता है। बेसिकली क्या करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं या जो टेस्ट करते हैं, वो क्या करेंगे, बेसिकली पेशेंट को आपका क्या करते हैं, या तो एक्सपोज करते हैं या फिर उसके अंदर क्या डाल देते हैं आपके, बहुत ही स्मॉल डोज में वो पर्टिकुलर एलर्जन डाल देते हैं। सपोज किसी को डस्ट से अगर एलर्जी है तो उसको डस्ट पे एक्सपोज करेंगे, किसी को पॉलन ग्रेन से है तो उसको पॉलन ग्रेन में एक्सपोज करेंगे, किसी को किसी खाने से एलर्जी, इनफैक्ट खाने की भी होती है, तो उसको पर्टिकुलर अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या कर देंगे आपका, या तो इंजेक्ट कर देंगे या फिर एक्सपोज कर देंगे, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि इस पर्सन को इस चीज से एलर्जी है। तो ये तो क्या हो गया, एलर्जी के लिए टेस्ट हो गया। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, चलो हमने टेस्ट कर लिया, हमें कॉज पता चल गया, अब ट्रीटमेंट कैसे होगा। बेसिकली क्या देते हैं, जो एलर्जी है एलर्जी के लिए क्या देते हैं, एक तो एंटीहिस्टामाइन, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मास सेल्स है वो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, जो क्या करती है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है। बेसिकली क्या करता है कि किसी किसी पर्सन में रेडनेस होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, तो सब किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से। तो हम क्या देते हैं, या तो एंटीहिस्टामाइन देते हैं या फिर अपन क्या देते हैं, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन याद है, हार्मोन है हमारा, जो बेसिकली क्या करता है, जो इमरजेंसी कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, तो ये हम देंगे। या फिर हम बेसिकली क्या दे देते हैं आपके, स्टेरॉइड्स दे देते हैं पर्सन को। तो ये तो क्या हो गया हमारा, ट्रीटमेंट हो गया किसका, एलर्जी का, है ना, डिफरेंट टाइप की आपकी वैरायटी होगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे एलर्जी के, कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो सबसे पहला है, जो सबसे कॉमन है, दैट इज द ब्रोंकियल अस्थमा, है ना। कौन सा अस्थमा अपन बात कर रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। यहाँ किसकी एलर्जी होगी, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी होगी। दैट मींस बेसिकली यहाँ पे किस में एलर्जी होगी, हमारे लंग्स के अंदर एलर्जी होगी। क्या होगा कि जो हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स है, अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमने ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स को ड्रॉ किया है, तो यहाँ क्या होती है, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की, वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी आपकी। एंड इसके अलावा क्या होंगे यहाँ पे, कि जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे किसका सिक्रीशन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन होगा। वहां पे कैसा फ्लूइड आएगा, आपका म्यूकस का फ्लूइड आएगा। तो ये तो क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए।
एंड अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है अस्थमा में, बेसिकली आपने सुना होगा क्या होती है, ज्यादा आपकी कफिंग होती है एज वेल एज क्या होती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है. जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, अगर अस्थमा है पेशेंट को तो उनमें क्या होने लगती है, आपकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है. साउंड प्रोड्यूस होता है जो अभी आपने पढ़ा, दैट इज द वीजिंग साउंड, है ना. ऐसा लगता है कि जब वो बात कर रहे, जब सांस ले रहे तो क्या होगा, विसल जैसा साउंड एक प्रोड्यूस होगा आपका. तो ये किसके बारे में था, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में था. ये बेसिकली आप और कहां पढ़ते हो, आपका जो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में आपका क्या है डिसऑर्डर वाला पार्ट है उसके अंदर भी आता है. नेक्स्ट आते हैं अपना यहाँ पे हे फीवर में, ये भी सबसे कॉमन है. यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, किसकी एलर्जी हो रही है, म्यूकोसा ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज. जो अस्थमा था उसमें किसकी एलर्जी हो रही थी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो रही थी. लेकिन जो हे फीवर है वो किसकी वजह से होता है आपका, बेसिकली होगा तो किसकी वजह से, पॉलन ग्रेन्स की वजह से. मेन कॉज क्या है, पॉलन ग्रेन है. एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो आईज है एज वेल एज जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या होने लगती है, इंफ्लेमेशन होने लगती है. तो ये क्या है, हे फीवर है. देन थर्ड पे आते हैं अपना जो क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है. सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो आपका यही एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है. क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला हमने कि ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है एलर्जी का. मतलब आपने चाहे अस्थमा की बात करी चाहे हे फीवर की बात करी, सबसे ज्यादा जो डेंजरस होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा. यहाँ बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जितने टिश्यूज हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं. हे फीवर में केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था अपर वाला और आई था, अस्थमा में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था. लेकिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपने क्या बोला, जितने आपकी बॉडी में टिश्यूज है सब इससे अफेक्ट होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो हमारा हिस्टामीन है जो कहां से रिलीज हो रहा है, मास सेल से रिलीज हो रहा है, वो क्या करता है, डायलेशन ऑफ आर्टरीज करता है. अब बच्चे आपको पता है कि जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी का जनरली अगर हम ल्यूमेन की बात करें, सपोज ये हमारी आर्टरी है तो ये जो आपका खाली स्पेस है हम इस ल्यूमेन की बात कर रहे हैं, इसका क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है. सपोज इसका आपका डायमीटर इतना था तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डायलेट हो जाएगी. डायलेट हो गया दैट मीन्स ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ल्यूमन क्या हो गया, ब्रॉड हो गया ना. अगर ल्यूमन ब्रॉड हो गया तो ब्लड आराम से फ्लो होगा, वहां पर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या किया, जो आपका हिस्टामीन है उसने क्या किया, वैसो डायलेशन किया, आपकी आर्टरीज के जो डायमीटर है उसको इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. एंड जिसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो बेसिकली जो पर्सन है उसको क्या आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, या फिर इवन अगर ये ज्यादा सीवियर है तो ये क्या कॉज कर सकता है, डेथ को भी कॉज कर सकता है. ये क्या कॉज करेगा, डेथ भी इवन कॉज करेगा. इसीलिए हमने सबसे पहले बोला कि ये सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने बोला एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपके सारे टिश्यूज आपके इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे हेडेक एंड एंजाइटी भी हो सकती है, आपकी यहाँ पे ब्रीदिंग में भी शॉर्टनेस हो सकती है, मतलब लंग्स भी अफेक्ट हो रहे हैं. इसके अलावा हमने बोला हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, हार्ट भी अफेक्ट हो रहा है. हमारा जो स्टमक है उसमें भी क्या हो जाएंगे, पेन स्टार्ट हो जाएंगे, एब्डोमिनल पेन हो गया, मतलब स्टमक में भी हो गया. एंड इसके अलावा क्या होगी, इचीनेस एंड स्वेलिंग होगी. तो यहाँ पे बेसिकली हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे. तो ये सारे क्या थे बच्चे, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जी थे. ठीक है, तो आज बच्चे हमने यहाँ पे आपका एलर्जी टॉपिक, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, उसको डिस्कस किया. हमने देखा एलर्जी किसे बोलते हैं, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है एंड एग्जाम्पल्स क्या है. बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाता है. तो आपने क्या कर दिया, लेक्चर देख लिया, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाना है, सेम टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड आउट करो, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ और पीवाईक्यूज को सॉल्व करो. तो सबसे पहले क्या करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे. ठीक है बेटा, तो बच्चे थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.